डोंट बी अ स्टूपिड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन कि नहीं नहीं मुझे तो सॉल्यूशन ही निकालना है. लॉजिक लगाइए लॉजिक. बोलो अंजलि बोलो क्या कह रहे थे. मैडम आ गई हैं. मैम वीडियो ब्लर हो रही है. अब सबके में ही एक में और किसी के साथ भी ऐसे. हाँ जी किस किस के साथ इशू आ रहे हैं. नो सर नो सर. अंजलि में भी आपका नेटवर्क इशू होगा. ओके मैम. ये फ्रैक्शनल पार्ट और वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर. करने के लिए तो एक ही पार्ट है वैसे कायदे से. पहले दो तो वैसे ही आपने आंसर कर दिया. ये इसमें कॉन्टिन्यूटी सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. सो डिसकॉन्टिन्यूस ऑन द होल ऑफ आर या ऑन द होल ऑफ माइनस. सभी पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है. बिल्कुल. एंड दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन माइनस जीरो क्योंकि जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस आएगा खाली. भाई दोनों चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को. हेलो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स. बट करना तो आपको ये था. वो दोनों तो वैसे ही हो गए थे. थर्ड वाला कीजिए. ये एक्स है या ब्रैकेट एक्स है. ब्रैकेट एक्स है. क्या होता है ब्रैकेट एक्स. आपने इंटरवल कह दिया है जीरो इंफिनिटी. जीरो इंफिनिटी यानी एक्स बिलोंग कर रहे हैं जीरो इंफिनिटी से. तो इसी पे बात करते हैं फिर. आई थिंक इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा. ब्रैकेट एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. जीरो बोलो भैया. वन टू थ्री फोर फाइव. जी ब्रैकेट एक्स जीरो दो चार कैसे नंबर्स हैं. इवन नंबर है. और ये कैसे नंबर्स हैं. और इन्हीं पे तो बात हो रही है. उसको चेंज करके ये लिख सकते हैं. देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू ध्यान दीजिए दिस एंड दिस. यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ब्रैकेट एक्स इज इवन. ब्रैकेट एक्स इज इवन यानी ब्रैकेट एक्स. ओके लेट मी राइट. ब्रैकेट एक्स इज जीरो टू फोर सिक्स. इससे ज्यादा तो क्या इलेबोरेट करके लिखेंगे. जी पहले वाले में बताइए एक्स कहाँ का बिलोंग कर सकते हैं. एक्स बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस. आप समझ रहे हैं. समझे या नहीं समझे. बोलो भाई इंटरवल बताओ. जीरो वन यूनियन यूनियन टू थ्री यूनियन
छोड़ दीजिए ऐसे देन दूसरे वाले में यू नो क्या क्या आएगा। वन टू फाइव सिक्स एंड वो लिखते रहिए। चलिए ये तो हो गया ब्रैकेट एक्स, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। साथ दो भाई आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, बहुत आराम, सच में बहुत आराम से हो जाएगा। आपको तो नेगेटिव साइड में ग्राफ बनाना ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने का मजा तो ऐसे ही क्वेश्चन करने में। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ग्राफ इन इंटरवल्स के ऊपर। जीरो वन पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसे बनता है, मना तो करना मत। टू थ्री पे भी ऐसे ही बनता है, याद आ रहा है आप लोग? फोर फाइव पे भी ऐसे ही बनता है, सिक्स सेवन पे भी। अब हमें नहीं पता वन टू पे थ्री फोर पे फाइव सिक्स पे क्या बने, अभी बना लेते हैं। वन माइनस, अरे भाई कितनी बार समझाया आपको, पहले बनाइए एफ एक्स का ग्राफ, फिर बनाइए माइनस एफ एक्स का ग्राफ, फिर उसमें कितना ऐड करना है आपको, यही करना है ना। फिर भी करते हैं, आना जरा, अगर हम गलत नहीं है तो आप भला कैसे गलत हो सकते हैं, गलत हो आपके दुश्मन। साथ आओ, साथ आओ, साथ आओ, कोई बात नहीं भाई। देख जरा ध्यान से देख लीजिए, पूरा ही बना दिया आपने, ये बन गया किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। तो माइनस में क्या होगा, बोलो भैया क्या होगा माइनस में? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए इधर, ये माइनस ब्रैकेट एक्स का ग्राफ है। हाँ जी, इसमें एक ऐड करेंगे तो समझ गए ना, ये जो नीचे को स्लांट हाइट दिख रही है, इसमें एक यूनिट ऐड करेंगे तो ऐसे, देख लो भैया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्लियर हो गया? बस यही ग्राफ बनेगा बाकी पोर्शन में। चलिए थैंक यू, रो लीजिए थोड़ा सा, ये तो पहाड़ बन गया। कहाँ ब्रेक हो रहा है आपको बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सच में बहुत अच्छा क्लासिक प्रॉब्लम। सो दिस इज, बोलिए, कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। अच्छे से लिखिए, लिखना पड़ेगा इसमें।